दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अब उसका बहुत जल्दी एग्जाम भी होने वाला है। इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे आपको मैक्सिमम मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी, इंग्लिश या जीके या कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट की आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है, वो भी मैक्सिमम। जितने यूट्यूब चैनल हैं, सबसे ज्यादा मैटर हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो आज की जो ये वीडियो है ये हमारी रीजनिंग से रिलेटेड रहेगी। रीजनिंग का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन कराए थे और बहुत सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए थे और आपको बोला था वो सारे टॉपिक आप कवर कर लेना। आज की जो ये हमारी टॉपिक रहेगी, इसमें भी हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे और वो जो मिक्स क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्शन के टॉपिक से, सिलोजिज्म के टॉपिक से, ठीक है, इस प्रकार से मिसिंग फिगर के टॉपिक से, इस प्रकार के टॉपिक से ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अभी तक अगर आपने डिटेल से सारी चीजें करनी है तो अभी तक हमारी 22 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। डेली चैनल के ऊपर 2 बजे रीजनिंग की क्लास कंप्लीट होती है, जिसमें सीरीज कंप्लीट हो गया, क्लॉक कंप्लीट हो गया, कैलेंडर, डाइस, रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन और अर्थमेटिक रीजनिंग, यानी 7 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट मेरे चैनल पे वीडियो सुन रहा है जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर आप स्टार्टिंग से लेके और सारी वीडियो सुनोगे तो आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप खुद पढ़ा पाओगे किसी को भी। ठीक है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है DRDO और CBSE रीजनिंग बाय पूजा गर्ग, वहां से आप सारे टॉपिक ये सीख सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके अंदर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो रिलेटेड होगा हमारा डायरेक्शन से। डायरेक्शन यानी कि दिशा और दूरी। ओके, इसका मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, डायरेक्शन का टॉपिक आगे कराया जाएगा, चैनल के साथ जुड़िए, आपको डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये तो नहीं है ना कि सीबीएसई के बाद आपने कोई पेपर ही नहीं देना। बहुत सारे बच्चों ने DRDO का फॉर्म भरा होगा या और कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप चैनल के साथ जुड़िए और सारे के सारे टॉपिक को बेसिक से समझिए। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। क्वेश्चन है हमारा, मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। राजू नाम का एक व्यक्ति है, राजू 25 किलोमीटर, मैं शॉर्ट में लिखूंगी यहाँ पे, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर यानी कि नॉर्थ। ओके, अगली लाइन में बोला गया है उत्तर दिशा में चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है, वो अपनी लेफ्ट साइड मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। पहले पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे फिर समझेंगे कि इसको करना कैसे है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिविजन कर रहे हैं, ठीक है, अगर बेसिक से करना है तो वो क्लासेस अटेंड करिए आप सारी। उसके बाद वो ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, जैसे वो 5 किलोमीटर चला वो जिस बिंदु पर पहुंचेगा उस बिंदु का नाम क्या होगा, ओ बिंदु उसका नाम होगा, ठीक है। अगली लाइन में फिर वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो अपने दाएं ओर मुड़ता है यानी राइट साइड में मुड़ता है और फिर कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट में बोला गया है वापस प्रारंभिक बिंदु तक यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी पूछी गई है, ठीक है। अब ये तो मैं क्वेश्चन बताऊंगी, अगर आपने ध्यान से समझा तो पूरा टॉपिक, पूरे के पूरे टॉपिक की रिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है। बेसिक से तो मैं कराऊंगी, उसमें तो 2-3 पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन इस टॉपिक के अंदर करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर पहले समझिए, यहाँ पे सफर कौन तय कर रहे हैं, राजू। तो मैंने यहाँ पे लिखा राजू, राजू जो है वो चलना शुरू करेगा, एक पॉइंट बना लिया इस पॉइंट से, ठीक है। राजू 25 किलोमीटर उत्तर में चलता है, उत्तर कहाँ होता है, डायरेक्शन याद रखनी है आपको, 4 डायरेक्शन। सबसे ऊपर होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, उसके बाद नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, यहाँ होता है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, यहाँ होता है हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, ठीक है। 4 डायरेक्शन होगी, ये दिशा होती है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, ये होती है हमारे पास साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, सारी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब राजू उत्तर दिशा में जा रहा है यानी ऊपर की साइड जाएगा, मैंने ऊपर की साइड बना दिया, कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब एक वो गलती बताती हूँ जो ऑनलाइन पेपर में मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, आपको एक शीट मिलेगी, शीट के ऊपर आपको करना पड़ेगा क्योंकि पेपर तो कंप्यूटर पे होना है, अब कंप्यूटर पे आपको रफ शीट मिलेगी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जो पहली बार पेपर देने हैं, इस लाइन को ना बिल्कुल, मान लो ये शीट है, बिल्कुल यहाँ बनाएंगे, मान लो उसके बाद उसको इस साइड चलाना है तो कहाँ चलाओगे,
ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम खराब हो गया, उसके बाद आप बीच में बनाओगे तो इससे बेटर है कि आपको पेज और मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आप बनाओ डायरेक्शन वगैरह के, उसको आप सेंटर में बनाओ ताकि अगर लेफ्ट राइट चलाना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये गलतियां हैं जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वो लेफ्ट साइड मुड़ता है। अब एक चीज ध्यान रखो कि इसका लेफ्ट कहाँ होगा। कोई बंदा ऐसे चल रहा है, ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट साइड मुड़ता है, कितना चलता है वो 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैंने 5 बना दिया। अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये मैंने 5 इतना चला दिया, आप 5 इतना चलाओ, आप 5 इतना चलाओ, कितना भी चलाओ आपकी मर्जी है। लेकिन आपकी मर्जी चलेगी कब तक? क्या यहाँ पे कोई लाइन है? नहीं है ना। अगर यहाँ कोई लाइन नहीं है तो आप 5 को कितना भी चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद वो राइट साइड मुड़ता है कितना, 5। अब कोई बंदा ऐसे चल रहा है, कोई स्टूडेंट ऐसे चल रहा है, उसका राइट कहाँ होगा? ऊपर वाली साइड होगा ना, राइट लेफ्ट आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो 5 किलोमीटर चलता है राइट साइड में। अब देखो यहाँ कोई लाइन है? नहीं है, तो कितना मर्जी चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 5 किलोमीटर हो गया और यहाँ वो पॉइंट उसको बता रखा था कि कौन से पॉइंट पे वो पहुंचेगा, ओ पॉइंट पे। तो ये पॉइंट था ओ, तो ये उसका सफर था, मैंने उसका सफर कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे पूछा क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा था, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी पूछी गई है। अब यहाँ पे वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन, इस टॉपिक में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनते हैं और आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए रीजनिंग के अंदर, पेपर में अगर आता है तो, ठीक है, आएगा तो पक्का। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो राजू है वो कौन सी दिशा में चल रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, राजू ऐसे ही चल रहा है ना ऊपर की साइड, तो राजू कौन सी दिशा में चल रहा है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि वो उत्तर दिशा में चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, राजू का फेस किस दिशा में है, तो राजू का फेस भी किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, यानी नॉर्थ में है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होकर देखें तो राजू अब कौन सी दिशा में है, अगर आरंभिक बिंदु पर खड़े होकर देखें तो राजू कौन सी दिशा में है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ ये बना लेना है कि वो यहाँ था, यहाँ खड़े होकर देखना है तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा, और ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर आरंभिक बिंदु पर खड़े होकर देखें तो राजू अब कौन सी दिशा में है, तो राजू नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अगर पूछे अंतिम बिंदु पर खड़े होकर देखें तो राजू शुरू में कहां था, तो यहां खड़े होकर देखना है तो ऐसे देखना पड़ेगा, नीचे ऐसे देखना पड़ेगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी थी हमारी, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी पूछी जाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी, ये वाली दूरी पूछी गई है। अब जब भी हमारी लाइन टेढ़ी बने, ठीक है, एक दूरी होती है ये, यहाँ पे समझो अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट होती है, यहाँ पे मान लो ये 5 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है और ये भी 5 किलोमीटर है, ठीक है। इस प्रकार से स्टेटमेंट होता, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। अगर अब दूरी पूछी जाए तो ये कितनी है हमारे पास, 4, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने लाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की दूरी है। क्या ऐसी कोई लाइन है हमारे पास यहाँ पे? नहीं है ना। जब ऐसी कोई लाइन नहीं है हमारे पास और लाइन बिल्कुल टेढ़ी आ रही है, तो यहाँ पे एक आपने सुना होगा एक थ्योरम लगती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस। और पाइथागोरस के लिए हमें 90 डिग्री चाहिए होता है। पहले यहां से लेके यहां तक जितने पॉइंट है सारे मिला दो, जैसे मैंने यहां से लेके यहां तक ये मिला हुआ है, नीचे आ जाओ, ये पॉइंट मैच करो यहां तक, उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये वाले पॉइंट मैच करो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट पता होना चाहिए आपको कितना है। तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये यहां तक कितना है, 5, ये कितना हो जाएगा, 25, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, 30, ये कितना है हमारे पास, ये 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब हमें ये वाली दूरी बतानी है, ठीक है। तो इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जब आपको ये वाली चीज बतानी है तो अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 925। आया समझ में। मैंने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया था, इजी क्वेश्चन लिया नहीं लिया, क्योंकि इजी कराने का कोई फायदा नहीं है, लेफ्ट चलाओ राइट चलाओ क्वेश्चन खत्म, उसका क्या बेनिफिट। इसलिए मैंने ये ऐसा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको पता चले कि इस लेवल का पेपर में क्वेश्चन आएगा। दोबारा से समझो क्या करना है, दोबारा समझाती हूँ मैं आपको। ये कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना। अगली वीडियोस जो आपको मिलेगी वो कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन इन्हीं पे मिलेगी, जो डेली क्लासेस होती है उनके अंदर बिल्कुल बेसिक से कराया जाता है वहां पे, ठीक है। अब देखो दोबारा बताती हूँ मैं, इसमें क्या क्वेश्चन था, राजू 25 किलोमीटर उत्तर में जाता है, ये मैंने यहाँ एक पॉइंट बनाया
25 किलोमीटर उत्तर में उसको चला दिया, ठीक है। यहाँ पे राजू है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर वो अपनी लेफ्ट साइड मुड़ता है, यहाँ पे उसका लेफ्ट था कितना 5 किलोमीटर। फिर राइट साइड, यहाँ उसका राइट था, वो हो जाएगा 5, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वो कौन सी दिशा में चल रहा है, तो नॉर्थ दिशा में चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, उसका फेस किस दिशा में है, तो भी नॉर्थ दिशा में है। तीसरा क्वेश्चन, स्टार्टिंग पॉइंट पे देखेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी। हाँ जी, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो वो कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में, यहाँ खड़े होके देखना है, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है हमारे पास, अभी बताया था मैंने, ये दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ समझिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, ये दूरी बतानी है। अब ये वाली दूरी अगर हमें बतानी है, तो हमारे पास ऐसी कोई लाइन नहीं है जिससे हम ये दूरी पूछे। अगर ये वाली दूरी पूछे तो 5 हो जाएगी, अगर इतनी इतनी पूछे तो 25 हो जाएगी, ये पूछे तो 5 हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई लाइन ही नहीं है। अगर ऐसी कोई लाइन नहीं है तो 90 डिग्री का बना के हमें यहाँ पे समकोण बनाना पड़ेगा और पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस कैसे लगाओगे, यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी है, ये 25 और ये 5, टोटल हो जाएगी 30। ये कितना हो जाएगा 5, 30 का स्क्वायर 900 और 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर आ जाएगा इसका रूट 925, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको डायरेक्शन डिटेल में करना है तो आपको डेली क्लासेस लेनी पड़ेगी, उसके अंदर अब तक 22 क्लासेस हो चुकी है, सारा कुछ वहां पे एक एक पॉइंट डिटेल में बताया जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि और किस प्रकार से, डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, और पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको कौन कौन से करा दिए थे, सीरीज हो गया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो डाइस से है। क्वेश्चन है हमारे पास 2, 4 और 3, और एक है हमारे पास यहाँ पे 2, 3 और यहां ले लिया मैंने 6। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी कि 6 का अपोजिट क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। डाइस का टॉपिक ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है, बहुत अच्छे उसके ऊपर व्यू आए हैं, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए हैं। जितने टॉपिक हो गए सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से टॉपिक कवर कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे 6 का विपरीत पूछा गया है, तो 6 का विपरीत कैसे निकालना है, डाइस के चैप्टर का रूल क्या होता है, पहले हमें यह पहचानना है कि डाइस हमारा, हमारी जो डाइस है वो मानक है या साधारण है, या मानक है यानी स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर दो साइड का टोटल 7 ना बने तो मानक है, अगर 7 बन जाए तो साधारण है। चेक करो क्या 7 बन रहे, दो साइड का टोटल 7 बन गया, जैसे ही 7 बन गया हमारी डाइस कौन सी होगी, साधारण। अब ये अगर एक साधारण होगी तो ये पूरे की पूरी डाइस हमें किस तरीके से लेके चलनी है, साधारण के तरीके से लेके चलनी है, ओके। ये मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। अब यहाँ पे देखो 6 का विपरीत पूछा गया है, साधारण डाइस का रूल क्या होता है, या तो एक नंबर कॉमन या दो नंबर कॉमन। कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं इसके अंदर, कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे, दो नंबर कॉमन आ रहे हैं, दोनों आपस में कट गए, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 का विपरीत फलक पर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो डाइस के क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, डिटेल में अगर करना है तो टॉपिक आप पढ़िए, वहां से आपको पता चलेगा। ये तो रिविजन क्लास है, तो इसको रिविजन की तरह ही हमें करना पड़ेगा। डायरेक्शन का टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने उसको आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोलिज्म का, क्वेश्चन नंबर 3। सिलोलिज्म हमारा टॉपिक होता है, सिलोलिज्म के टॉपिक से आपको डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको। सिलोलिज्म होता क्या है, सिलोलिज्म में आपने कई बार ये सम देखा होगा, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, ठीक है। ये हमारे पास होता है कथन, ये कथन हो गया, ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, इसके नीचे पूछा जाता है निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर पहला निष्कर्ष आपसे पूछा जाएगा सभी ए सी है, ये पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष पूछा जाएगा कुछ ए सी है, ये दूसरा निष्कर्ष हो गया। इसके नीचे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ऑप्शन मिलेंगे 5, पहला सही है, पहला मिलेगा आपको पहला सही है, या फर्स्ट कंक्लूजन सही है, दूसरा ऑप्शन मिलेगा केवल दूसरा कंक्लूजन सही है, तीसरा ऑप्शन मिलेगा दोनों सही है, ठीक है, चौथा ऑप्शन मिलेगा दोनों गलत है, दोनों गलत है, इस प्रकार से आपको कंक्लूजन मिलेंगे नीचे। अब यहाँ पे इसमें समझिए, जब आपके पास डायग्राम, एक होता है हमारे पास कुछ का डायग्राम, एक होता है हमारे पास सभी का डायग्राम,
एक होता है हमारे पास कोई नहीं का डायग्राम, ठीक है। पहले डायग्राम समझ लो, यहां पे कुछ में, जैसे मैं अगर बोलती हूँ कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, ये ए है, ए का कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। सभी ए बी है, तो सभी ए बी है, तो ये मैंने ए बनाया, सारा का सारा ए किस में बनाना है, बी में बनाना है, तो ये मैंने बना दिया बी। सभी का डायग्राम ये याद रखना है, और कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो ये ए है, और ए और बी के बीच में भयंकर वाली लड़ाई होगी, तो कोई भी ए बी नहीं है। ये तीन डायग्राम बनते हैं, तीनों डायग्राम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब समझो, कुछ ए बी है, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे, कुछ ए का पार्ट किस में आएगा, बी में। कुछ बी सी है, कुछ बी का पार्ट किस में आएगा, सी में। तो ये तो मैंने कथन से डायग्राम बना लिया। अब हमसे जो पूछा है उसका आंसर देना है। अब जब तक हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट हमारी कैसी है, सारी पॉजिटिव, कहीं भी नहीं वाली कोई बात नहीं लिखी मैंने। जब तक हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आपने अपना एक्स्ट्रा माइंड इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल इतना देखना है, क्या पूछा गया है, सभी ए बी है, सोचना है क्या सारा का सारा ए, सभी ए का मतलब क्या होता है, क्या सारा का सारा ए सी में आ रहा है, यहां देखो क्या पूरा का पूरा जो ये ए है वो सी में आ रहा है, नहीं आ रहा ना। ये नहीं सोचना हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आगे वाले टॉपिक के अंदर होता है, नेक्स्ट इसके कंसेप्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सभी ए सी है, क्या सारा ए सी में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, यानी पहला कंक्लूजन हमारा गलत है। दूसरा, कुछ ए सी है, क्या ए का कुछ पार्ट सी में आ रहा है, देखो ए की बाउंड्री यहाँ खत्म है, सी की बाउंड्री यहाँ खत्म है, ए का कुछ पार्ट सी में नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों गलत है। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर मैं एक पॉइंट और लेती हूँ, इसमें मैंने एक पॉइंट इसी के अंदर, देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनके लिए जिनको ऑलरेडी आता है, ठीक है। जिनको नहीं आता उनको बेसिक से क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे टॉपिक है, ये एक बार में समझ नहीं आ सकती। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या बनेगा इसी में, अगर मैं लिख दूं इसमें कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, दूसरा ले लिया मैंने कोई ए कोई बी सी नहीं है, ये मैंने दूसरा ले लिया। अब पहले वाले में स्टेटमेंट पॉजिटिव थी, यहां स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। जब नहीं वाला हमारे पास आ जाए तब आपने सोचना है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखो एक सिंपल सा रूल है, अगर हम कोई चीज किसी से मांगते हैं, अगर वो हमें बिना अगर जैसे ही हमने मांगा उसने हमें दे दिया, तो हम उससे कोई भी बहस नहीं करेंगे। लेकिन अगर सामने वाला मना कर दे, सामने वाले ने मना कर दिया, तो बहस तो तभी करेंगे ना हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई ए सी नहीं है, ए को देखो और सी को देखो, क्या ए और सी के बीच में नेगेटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। क्या ए सी में नहीं जा सकता, जा सकता है ना, इसने क्या बोला है, कोई भी ए कभी भी सी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, भी ए सी में जा सकता है। और अगर ए सी में जा सकता है, अगर आपको थोड़ा से भी लगे कि ऐसा हो सकता है और उसने बोला नहीं है, तो आप उसको गलत कर दोगे, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी सी नहीं है, क्यों नहीं है, भी ये तो बी ऑलरेडी सी में है और ये और भी जा सकता है बी सी में, तो हम बोल रहे हैं जा सकता है, ये बोल रहा है नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों गलत है। आया समझ में। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखिए, आपको इसी के अंदर मैं एक और ले लेती हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट ले ली मैंने, सभी सी डी है, सभी सी डी है, और कोई डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है। एक चीज याद रखना, ये मुश्किल है, हो सकता है आप इसको यहीं छोड़ दो, पर आप छोड़ दोगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो और है वो तो करके जाएंगे ना इसको, तो ये मत सोचना जो आपके लिए मुश्किल है वो बाकियों के लिए भी मुश्किल होगा। रीजनिंग में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस एक बार करने की जरूरत होती है। इसको मुश्किल देख के आप छोड़ सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आपके साथ पेपर देंगे वो इस सम को करके आएंगे, क्योंकि ये इजी है, इसको बस एक बार समझना है। तो पूरी वीडियो देखना जितने सम मैं करा रही हूँ। अब यहाँ देखो, इसका पहले तो बनाओ पूरा का पूरा डायग्राम, क्योंकि ये चारों कथन है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, सभी सी डी है, सारा का सारा सी डी है, उसके बाद कोई डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है। अब ध्यान से समझो, जो ये ई है इसकी बातचीत किसके साथ बंद है, इसकी बातचीत डी के साथ बंद है, डी और ई के बीच में कोई बातचीत नहीं है, यानी ई कभी डी के साथ बात नहीं करेगा। अगर वो डी के साथ बात नहीं करेगा तो डी के अंदर कौन है, पूरा का पूरा सी है ना, तो सी के साथ भी ई की पूरी बातचीत बंद हो चुकी है, ठीक है। अब सी के चक्कर में बेचारा बी और फंस गया, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, जहां जहां भी डी जाएगा ना, उसकी बातचीत जो है वो ई के साथ बंद होती जाएगी। बी का ये वाला हिस्सा जो है ना, वो भी ई के साथ कभी भी बातचीत नहीं कर सकता। यानी कौन कौन नेगेटिव हो गया, डी पूरा नेगेटिव है, सी पूरा नेगेटिव है, और बी का इतना सा हिस्सा नेगेटिव है।
ठीक है। अब इस पे वो पहला कथन क्या पूछ सकता है, पहला कथन पूछेगा वो कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, बताओ क्या कुछ ए सी है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले में तो कुछ सोचना ही नहीं, चेक करो ए और सी, ए और ए की बाउंड्री यहाँ खत्म, सी की बाउंड्री यहाँ खत्म, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है यहाँ पे सभी बी डी है, अभी भी स्टेटमेंट कैसी है हमारी, पॉजिटिव है, चेक करो क्या सारा का सारा बी डी में आ रहा है, सारा का सारा बी डी में आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन वो यहाँ पे क्या पूछेगा, कोई भी ई नहीं है, कोई भी ई नहीं है, ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया। और चौथा क्या पूछेगा वो, कोई सी ई नहीं है। मैंने आपको बोला था कि आपने अपना माइंड तभी लगाना है जो वो मना करे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, नहीं वाला बोल दिया यहाँ पे, जब वो नहीं वाला बोल रहा है तो हम चेक करेंगे, उसने बोला कोई भी बी ई नहीं है, चेक करो ये बी है ये ई है, क्या कोई भी बी ई नहीं है, क्या ये वाला हिस्सा जो है क्या ये बी ई में नहीं जा सकता, जा सकता है ना, सिर्फ इतना इतना नहीं जा सकता। उसने बोला पूरा का पूरा जो बी है, कोई का मतलब होता है पूरा का पूरा बी जो है वो ई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, बी का जो इधर वाला हिस्सा है वो ई में जा सकता है, और थोड़ा सा भी जा सकता है तो इसकी बात गलत हो जाएगी। यहाँ चेक करो कोई सी ई नहीं है, चेक नहीं आ गया इसमें भी, चेक करना है क्या सी ई में जा सकता है, चेक करो क्या सी ई में जा सकता है। आपने देखा ये सी है और ये ई है, ठीक है, सी ई में नहीं जा सकता, थोड़ा सा भी नहीं जा सकता, क्योंकि डी के साथ पूरी बातचीत बंद है और सी भी पूरी की पूरी बातचीत बंद कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो सी जो है वो कभी भी ई में नहीं जा सकता, थोड़ा सा भी नहीं जा सकता, हम भी बोल रहे हैं नहीं जा सकता, वो भी बोल रहे हैं नहीं जा सकता, तो इसकी बात क्या हो जाएगी, सही। यानी चारों में से सही कौन सा है, सिर्फ फोर्थ सही है, यानी कि ओनली जो फोर्थ वाला है वो सही है, पहला दूसरा तीसरा गलत है। आगे समझ में, तो क्विक रिवीजन के अंदर तो मैं आपको ऐसे ही समझा सकती हूँ, अगर इनको डिटेल से करना है तो डेली लेक्चर लीजिए, उसमें जब सिलोलिज्म का टॉपिक आएगा तो उसमें मैं आपको डिटेल से कराऊंगी, ठीक है। आगे डीआरडीओ में और रेलवे में इसके 3 से 4 सम 100% बनेंगे, जब पेपर देके आओ तब लिख के ले लो, इसके 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला जो कंसेप्ट इसमें पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा हमारा अगले टॉपिक से। नेक्स्ट जो हमारे पास सम है वो सम आएगा हमारा एनालॉजी से, अगला जो सम है वो है एनालॉजी से। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, एनालॉजी का मतलब होता है जैसे मैंने यहां पे दे दिया भारत और यहां मैंने दे दिया दिल्ली और यहां मैंने 2 डॉट लगाई, यहां दे दिया मैंने रूस और यहां मैंने 2 डॉट लगाई और यहां लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। एनालॉजी का पूरा टॉपिक जो है वो जीके पे भी डिपेंड करता है, वो मैथ पे भी डिपेंड करता है और वो साइंस पे भी डिपेंड करता है, वो रीजनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी एक ही टॉपिक में सारा कुछ पूछ लिया जाता है आपसे। अब यहाँ पे देखिए, जिस बच्चे की जीके स्ट्रोंग है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। डेली शाम को 8 बजे जीके की क्लास होती है, जो स्टूडेंट ये वाली वीडियो देख रहे हैं और वो भी देख रहे हैं उनको पक्का पता होगा इसका आंसर क्या होगा। अब आपने जब भी आपको ऐसे डॉट्स मिले तो इसका मतलब क्या होगा, आपसे कहीं ना कहीं एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। जिस प्रकार भारत का रिलेशन दिल्ली से है उसी प्रकार रूस का रिलेशन किससे होगा, भारत की कैपिटल क्या है दिल्ली, तो रूस की कैपिटल क्या हो जाएगी हमारी मॉस्को। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। अब कोई भी कैपिटल हो सकती है, यहाँ अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, जापान की कैपिटल टोक्यो हो जाएगी, चीन की कैपिटल बीजिंग हो जाएगी, कोई भी कैपिटल पूछ सकते हैं, इटली की कैपिटल रोम हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, अगला इससे एक कंसेप्ट और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5, 25, नेक्स्ट पूछ लेंगे आपसे यहाँ पे 6 और क्वेश्चन मार्क, ये मैथ का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 36, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एनालॉजी का टॉपिक है, जब हम करेंगे तो इसको डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा हमारा वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम ओड वन आउट भी बोलते हैं, ओड वन आउट, ठीक है। कैसा क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गोवा, एक आपको यहाँ पे दे दिया राजस्थान, एक आपको यहाँ पे दे दिया यूपी, एक दे दिया यहाँ पे आपको कोई भी, यहाँ पे दे दिया आपको लखनऊ, ठीक है, ये आपको दे दिया इस प्रकार से 4 दे दिए।
अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इनमें से विषम पहचानो कि इनमें से विषम कौन सा है, ठीक है। अब इनमें से विषम कैसे होगा, जैसे मैं दूं एक, मैंने दे दिया आपको दो, तीन, पांच और सात, इनमें से विषम पहचानना है आपको, ठीक है। अब आपको बताएं तीन, पांच और सात ये कैसी संख्या है हमारी, ये विषम संख्या है और दो क्या है, सम संख्या, तो इसमें से विषम कौन सा हो जाएगा, दो हो जाएगा, यानी अलग कौन सा है इसमें, दो हो जाएगा। वैसे ही इसमें से अलग कौन सा है, अब देखिए गोवा राज्य है, राजस्थान भी राज्य है, यूपी भी राज्य है, लेकिन लखनऊ राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, यानी ओड वन आउट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे समझ में, नेक्स्ट देखो। अब देखो अगर पूछे जीके के क्वेश्चन, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, यूपी, और सबसे छोटा कौन सा है जनसंख्या में, सिक्किम। तो यहां से मैंने चार क्वेश्चन आपको जीके के भी याद करवा दिए, ये चारों क्वेश्चन जीके के भी याद रखना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन से हो गया, एनालॉजी से क्वेश्चन बता दिया मैंने, डायरेक्शन से बता दिया, डाइस से बता दिया और सिरोलिज्म से बता दिया। छह टॉपिक से मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवा दिए थे, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक क्या पूछा जाएगा हमसे, सारे टॉपिक्स के नाम आपको पता होने चाहिए भी किसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या पूछा जाएगा, हाँ जी अगली टाइप से जो क्वेश्चन आएगा वो है हमारे पास, एक मिनट रुकिए अभी बताती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना। टॉपिक का नाम है हमारा फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको ये बताना होगा जो नंबर मिसिंग होगा जो मैं दूंगी आपको वो बताना है, ठीक है। 9, 16, 49, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 9, 25 और क्वेश्चन मार्क, 9, 25 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये टॉपिक है मिसिंग नंबर का, कि आपको ये जो नंबर मिस है वो आपको बताना है, यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिपेंड करता है कि आपका माइंड उस टाइम पे कितना शांत है, अगर एक बार में समझ आ गया तो आ जाएगा, वरना हो सकता है कि अगर मैं पेपर दे रही हूँ तो मेरे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, हो सकता है मेरे माइंड में भी ना आए, क्योंकि इनमें लॉजिक्स लगते हैं। लॉजिक क्या लगता है, किसी भी तरीके से आपको 16 बनाना है, जो तरीके से 16 बनाओगे उसी तरीके से 49 बनाना है आपको, और वही तरीका यहाँ लगाना है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे 16 कैसे बनाएंगे, एक का स्क्वायर, एक किसका वर्ग होता है, एक का, और तीन किसका होता है, नौ किसका होता है, तीन का, तीन और एक कितना हो गया, चार, चार का स्क्वायर क्या होता है, 16, ठीक है। उसी प्रकार नौ किसका होता है, तीन का, ये होता है चार का, चार और तीन सात, सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। वैसे ही नौ का हो जाएगा यहाँ पे तीन और इसका हो जाएगा पांच, पांच और तीन आठ, और आठ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64। कुछ भी हो सकता है, भाग, गुना, माइनस, प्लस, कुछ भी लॉजिक लग सकता है, मैंने सिर्फ आपको एक मेथड बताया है, इस मेथड के भी आपको सम डेफिनेटली मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने टोटल 5-6 टॉपिक से आपको सम बता दिए, ऑलरेडी 6 टॉपिक से आपको पहले दे चुकी हूँ, जो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, इतनी गारंटी है, चाहे 25 नंबर की रीजनिंग आए, चाहे 30 की आए, चाहे 10 की आए, किसी भी पेपर में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप स्टार्टिंग से सारी क्लासेस लगाओगे तो, ओके। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, जितना हो सके इसको शेयर करना, सारी क्लासेस हिंदी, मैथ, रीजनिंग, सारी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप एक क्विक रिविजन ले सकते हो, ओके। थैंक यू।